So, hello guys, welcome to our YouTube channel. We are back to new video. So, guys, thank you so much आते रहने के लिए and support करने के लिए, guys. So, मैं फिर से आ गए हूँ आप लोगों के सामने solo का rank push लेके, वो भी एकदम OP तरीके से, guys. So, guys, हम लोग अगर plane के अंदर अभी हम लोग OP तरीके से landing करेंगे. कहाँ पर landing करेंगे? जहाँ पर बंदे नहीं होंगे. और guys, ज्यादातर हम लोग मैप के एकदम लास्ट में एकदम साइड में उतरते हैं. तो अभी क्या है गाइस, हम लोग उतरेंगे कोई भी बाइक, जहां पर बाइक या गाड़ी हो उधर, क्योंकि हम लोगों ने ले लिया है मिशिया करेक्टर. ओके, और गाइस मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखो, एक एक पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि गाइस एक एक पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. और गाइस आज का वीडियो में मतलब हम लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे, ठीक है, मतलब बाइक से नहीं उतरेंगे, बाइक से ना उतर के हम लोग बुया लेंगे. गाइस आप लोग पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा. एंड मैं गाइस आप लोगों को बस इतना बोलना चाहता हूं, आप लोग अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे बंदे सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री रहता है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. और गाइस इस वीडियो का लाइक एम रखता हूं मैं 1K लाइक. ओके, देखता हूं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो मेरे को, ठीक है. सो मेरे भाई लोग इधर देख सकते हो, बहुत सारे बंदे एक साथ उतरे थे. तो मैंने इधर क्या किया, सिंपल तरीके से गाड़ी लिया और गाड़ी लेके इधर से निकल गया. मेरे को अभी एक बाइक ढूंढना था, क्योंकि गाड़ी से इतना मूवमेंट नहीं होता, बाइक से एकदम आराम से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं. जो भी है गाइस, बाइक ढूंढना है एक, क्योंकि गाइस जो ट्रिक्स है वो बाइक के ऊपर है. आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस सुपर मेडिकेट कैरी करना है. भाई साहब ये जो ट्रिक्स है ना, मैं ना हर एक मैच में यूज करता हूँ, ट्रस्ट मी, इतना इजी और इतना सेफ है, मतलब क्या ही बताओ. सो गाइस हम लोगों को ओपी तरीके से इधर बाइक मिल गया, तो अभी बाइक लेके हम लोग सुपर मेडिकेट ढूंढेंगे. वो कैसे मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताता हूँ, आप लोग देखते रहो. और गाइस ये जो ट्रिक्स है ना, आप लोगों को मैंने बोला था कि अभी तक यूट्यूब में शायद ही आप लोगों ने ये ट्रिक देखा होगा. मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च करके इसको लाया है, सोलो में ऐसे करके बुया लेना, जो आज मैं बताऊंगा, और कल का वीडियो में भी बताया था. आज का वीडियो देखना गाइस, बंदे मेरे को छू भी नहीं पा रहे, मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही सेफ, एकदम बहुत सेफ रैंक पुशिंग टिप्स है ये. ओके, सो गाइस आप लोग पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आप लोग गेम में जाके अप्लाई करना, मतलब क्या ही बताओ यार, ओपी तरीके से बुया लोगे. मैं आप लोगों को बोलता हूँ, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा, आप लोगों का माइनस होगा, ऐसा थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए भी आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा कि आप लोगों का माइनस हो जाएगा, आप लोगों को बंदे मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. सो गाइस इधर से मेरे को बॉक्स मिल गया, बॉक्स से मेडिकेट मिल गया दो, ठीक है, जो सुपर मेडिकेट होता है ना वो मिल गया. उसके बाद गाइस मेरे को अभी चाहिए एक बैग. ओके, तो इधर जाने के देखो इधर कोई बंदा नहीं उतरता, तो इधर सिंपल तरीके से मैं इधर से उतर के इस घर में एक ना एक बैग मिल जाएगा मेरे को, तो मैं इधर जाके थोड़ा सा लूट लूंगा. अगर इसके साथ कोई भी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज कुछ भी मिले मैं ले लूंगा, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है. जो भी है गाइस, इधर से मैं थोड़ा बहुत लूट करने के बाद फिर से बाइक लेके निकल गया और एक रिसप्लाई मैप खोलने के लिए और सुपर मेडिकेट कलेक्ट करने के लिए. सो गाइस सामने जाने के टाइम इधर एयर ड्रॉप गिरा है, उधर से मेरे को 100% दो मेडिकेट मिलेगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इधर जा रहा था. लेकिन गाइस आप लोग इधर देख सकते हो क्या ही हो गया, सामने एक फटाक से बंदा आ गया. गाइस अभी करे तो क्या करे, ठीक है, तो उस बंदे को मैंने उड़ाने का कोशिश किया, देख सकते हो आप लोग इधर मैं फंस गया भाई, थोड़ा थोड़ा से बचा. उसके बाद गाइस मैं फिर से घुमा के उधर गया, क्योंकि भाई मेरे को तो मेडिकेट चाहिए, उससे मतलब नहीं है बंदा है कि नहीं. देखो मैं एक बार भी नहीं उतरा, क्योंकि मेरे को उसको मारना नहीं है, मेरे को बस मेडिकेट चाहिए. ओके, तो इधर से देखो आके जल्दी जल्दी मैंने मेडिकेट कलेक्ट कर लिया, इधर से जो मेडिकेट मिला. उसके बाद फटाक से मैंने बाइक लेके इधर से निकल गया, मेरे को कोई भी फाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बस मिशा करेक्टर है, बस बाइक लेके मेरे को घूमते रहना और गाइस सुपर मेडिकेट कलेक्ट करते रहना. तो इधर से और एक बंदा छुप के बैठा था, तो मैंने इसको उड़ा के अच्छे से पहला किल कंप्लीट कर लिया. उसके बाद और एक बंदा था, उसको भी मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, आप लोग देख सकते हो. उसके बाद फिर से ये बंदा मेरे सामने आसपास ऐसे घूम रहा था, तो मैंने फिर से इसको बाइक से ही मारने का प्लान किया. तो इधर से मैंने जाके फिर से इसको एक डैमेज दिया, उसके बाद जाके और एक डैमेज दिया और बंदा खत्म. तो ऐसे करके गाइस मेरा दो किल कंप्लीट हो चुका था. तो इधर से मैं देख रहा था इन लोगों के पास अगर सुपर वेट मिलता है तो मैं ले लूंगा, तो थोड़ा सा लूट बॉक्स इनका चेक कर लिया मैंने. उसके बाद फिर से मैं एक बाइक लेके गाइस निकल गया और एक रिसप्लाई मैप खोलने के लिए. गाइस आप लोग ध्यान से देखो, ये जो ब्लू कलर का होता है ना मैप में, जहां पर भी आप लोगों को मिलता है उसको आप लोग ओपन करो. उसके बाद आप लोगों को जो बॉक्स मिलता है ना, उससे आप लोग मेडिकेट कलेक्ट करो, ग्लोबल मेडिकेट सब कुछ कलेक्ट करो, ठीक है ना. ये बहुत सेफ है, मिशा करेक्टर लो, बाइक लो, बस ढूंढते रहो ये सब. उसके बाद आप लोग लास्ट में जब आप लोगों का जोन छोटा हो जाएगा ना, तब आप लोग देखना. तो वीडियो में देखते रहो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस, मैं कहाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग ध्यान से नोटिस करो, क्योंकि गाइस उधर ही आप लोगों को सबसे ज्यादा ये रिसप्लाई मैम मिलेगा, ठीक है. तो गाइस वीडियो में देख लो अच्छे से, मैं कहाँ कहाँ पर मेरे को मिल रहा है, तो आप लोग भी उधर जाके आराम से मिल सकते हो. पूरा मैप घूमने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना उधर आप लोग देख लो आराम से, उसके बाद आप लोग गेम में जाओ, आराम से उधर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, 100% मिलेगा उधर.
और गाइस ये जो ट्रिक्स है ना, इसको यूज करने के लिए आप लोगों को जो जो करेक्टर स्किल चाहिए, मतलब जो जो करेक्टर कॉम्बिनेशन लेके आप लोगों को आना है, वो ध्यान से देख लो। आप लोगों को सबसे पहले लेना है के करेक्टर, ओके, ध्यान से ये चीज देख लेना, क्योंकि गाइस बहुत बार क्या होता है आप लोगों को जोन के बाहर भी ये सब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को के करेक्टर चाहिए, उसके बाद फोर्ट करेक्टर, सेम रीजन, आप लोगों को जोन के बाहर ढूंढना पड़ेगा इसलिए फोर्ट करेक्टर। उसके बाद हम लोगों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है वो है गाइस मिशा करेक्टर, उसको तो आप लोगों को लेना है क्योंकि गाइस मिशा करेक्टर का ही सब कुछ कमाल है। उसके बाद गाइस हम लोगों का चार नंबर और लास्ट जो करेक्टर है वो है गाइस मैक्सिम करेक्टर, जो हम लोगों को जल्दी जल्दी मेडिकेट मारने के लिए हेल्प करेगा लास्ट में, जो सुपर मेडिकेट हम मारेंगे। सो गाइस इसलिए लास्ट में आप लोगों को मैक्सिम लेना है। जो भी है गाइस ये करेक्टर कॉम्बिनेशन लेके आप लोगों को ये ट्रिक यूज करना है तो फिर आप लोगों का बुइया होगा, ठीक है। ध्यान से चीज याद रखना, आप लोगों को सेम टू सेम करेक्टर स्किल यूज करना है। जो भी है गाइस इधर मैंने बहुत सारा मेडिकेट कलेक्ट कर लिया वो रिसप्लाई मैप खोल खोल के, ठीक है। तो अभी क्या करना है मेरे को, इधर ही थोड़ा बहुत घूमना है और भी देखना है इधर कोई मिलता है कि नहीं। आप लोग ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पर मिलता है, भाई साहब मैप में बहुत कम जगह पर ही मिलता है ये, ठीक है। तो आप लोग अगर पहले से नहीं देखोगे ना तो आप लोग घूमते रह जाओगे और आप लोगों का जोन भी आ जाएगा और आप लोग का प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो कहाँ कहाँ पर मिलता है। सो गाइस इधर से जाने के बाद मैं थोड़ा सा जोन के बाहर भी घूम के आया, क्योंकि गाइस उधर भी मेरे को देखना था कि है कि नहीं, लेकिन जोन के बाहर इधर एक भी नहीं था तो मैं इधर से डायरेक्टली चला गया जोन के अंदर, क्योंकि गाइस मेरे को अभी किसी भी हालत में और भी 3-4 मेडिकेट कैरी करना है। तो इधर से ऊपर एकदम सीधा मैं चला गया पीक के अंदर। सो गाइस इधर बहुत सारे बंदे थे तो मैंने किसी के साथ फाइट नहीं लिया, इग्नोर किया सबको। आप लोग ध्यान से ये चीज देखो, कोई भी बंदा सामने हो ना आप लोग को इग्नोर करना है। तो इधर देखो मैं डायरेक्टली चला गया ड्रॉप में, क्योंकि गाइस ड्रॉप में मेरे को 2 मेडिकेट मिल सकता है। तो इधर जल्दी जल्दी आने के बाद मैंने इधर से देखो 2 मेडिकेट कलेक्ट कर लिया। और गाइस आप लोग कितना मेडिकेट कलेक्ट करना है ये ध्यान से याद रखना, आप लोग को 10 के ऊपर, 10 के नीचे नहीं, 10 के ऊपर रखना है मिनिमम। आप लोगों को 10 मेडिकेट रखना है सुपर मेडिकेट, और ज्यादा हो सके तो अच्छी बात है, और ग्लूअल आप लोगों को मिनिमम 10 रखना है। ध्यान से याद रखना, आप हर एक क्रिएट खोलोगे ना उधर आप लोगों को 2 ग्लूअल और 1 मेडिकेट तो मिलेगा, तो टेंशन मत लो, आप लोगों के पास ग्लूअल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो इधर से मैंने 2 मेडिकेट लेने के बाद सामने और एक ड्रॉप था उधर चला गया उसको लूटने के लिए। और गाइस आप लोग देख सकते हो चारों तरफ कितने बंदे थे, लेकिन मैंने किसी के साथ थोड़ा सा भी फाइट नहीं लिया। और लास्ट में ये चीज याद रखना, आप लोगों के पास जो नॉर्मल मेडिकेट होगा ना उसको आप लोगों को फेंक देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा गाइस, ध्यान से ये चीज याद रखना, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को नॉर्मल जो मेडिकेट है ना वो सब कुछ फेंक देना है। जो भी है गाइस इधर से भी मेरे को 2 मेडिकेट मिल गया। और गाइस अभी देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से ये चीज देखो, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से याद रखना। अभी ऊपर बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, मैं एकदम भी ऊपर नहीं गया, मैं इधर नीचे देखो गोल गोल घूम रहा हूं, इधर ही साइड में घूम रहा हूं। क्यों गाइस? क्योंकि जोन गिरने का वेट कर रहा हूं। उधर जाऊंगा किसी भी हालत में कोई ना कोई मेरे को फोड़ देगा मेरा बाइक, नहीं तो मेरे को मार देगा, तो मेरे को उधर जाने का ही नहीं। आप लोगों को इधर ही बाइक लेके घूमते रहना है, कोई अगर गोली भी चलाएगा ना आप लोगों को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आएगा। तो गाइस इधर ही आप लोगों को घूमते रहना है एकदम साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पार्ट को आप लोग कभी भी मिस मत करना और हमेशा याद रखना। लास्ट में जब बंदे लोग फाइट करें आप लोग जोन के एकदम साइड में रहना और बाइक लेके घूमते रहना। तो इधर देखो गाइस एकदम ओपी तरीके से जोन आ चुका है। तो अभी मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसी के सामने नहीं जाना, एक भी फाइट नहीं लेना, बस एकदम साइड में जाके बाइक से नहीं उतरना, बाइक से लास्ट में उतरूंगा जब छोटा हो जाएगा जोन, अभी मेरे को साइड में ही घूमते रहना है। आप लोग ध्यान से ये चीज याद रखना, ये जो अभी का मतलब पार्ट है ना इसको अगर आप लोग मिस करते हो ना आप लोगों का पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान से ये चीज याद रखना, आप लोगों को एकदम साइड में बाइक से नहीं उतरना, क्योंकि गाइस आप लोगों के पास मिशा करेक्टर है, तो आप लोगों को साइड में घूमते रहना है जब तक ना जोन एकदम छोटा हो जाए। और भाई लोग एकदम सीधा सीधा जगह पर घूमना, इधर मतलब तेरे वेरे जगह पर मत घूमना जहां पर बहुत सारे घर वर हो, क्योंकि गाइस उधर अगर फंसोगे ना बंदे आप लोगों को फोड़ देंगे, नहीं तो जोन आप लोगों को मार देगा। तो इसलिए एकदम सेफ जगह जहां पर एकदम खाली खाली जगह उधर ही घूमते रहो। तो इधर देखो मैं आराम से आके एक परमानेंट कवर लेके अभी इधर बैठ जाऊंगा जब तक ना छोटा एकदम लास्ट जोन गिर जाए, ठीक है। उधर उन लोगों को फाइट करने दे रहा हूं, एक भी गोली नहीं चला रहा हूं गाइस, ठीक है। मेरे को बुइया चाहिए और बुइया होगा भी ऐसे करके अगर आप लोग खेलते हो ना। तो इधर देखो मैं एकदम ओपी तरीके से इधर कवर लेके बैठा हूं, आप लोगों को भी सेम टू सेम लास्ट में एकदम कोने में जाके चुपके से बैठ जाना है, ओके। सो गाइस इधर देखो मैं एकदम ओपी तरीके से बैठ गया हूं, और गाइस 3 बंदे अलाइव है मेरे को लेके, एक भी गोली नहीं चलाऊंगा बंदे के ऊपर, आप लोग ध्यान से बस देखते रहो। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हो उधर क्या ही खतरनाक फाइट हो रहा है, और गाइस इधर जोन में आ रहा है। सो गाइस अभी 2 बंदे अलाइव है, मतलब 1v1 का सिचुएशन है, और अभी जोन भी आ चुका है गाइस, आप लोग ध्यान से देखो। और गाइस मैं अभी इधर जाके एक ग्लूअल मार के बैठ गया, और गाइस बंदा मतलब मेरे सामने है, और ये एकदम लास्ट जोन है, अभी बस वेट करना है कब जोन स्विंग हो जाए, मतलब अभी देखो 32 सेकंड बाकी है और मेरे को इधर ही थोड़ा सा वेट करना है। और गाइस मैं क्या कर रहा हूं आप लोग ध्यान से ये चीज देखो,
वो बंदा अगर ग्रेनेड मारेगा ना तो मेरे को दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए मैं इधर उधर देखो ओपी तरीके से ग्लूअल मार रहा हूँ ताकि बंदे को कंफ्यूजन हो और बंदा उधर उधर मतलब ग्रेनेड मारे। जैसे कि सेम टू सेम हुआ, बंदा देखो उधर ग्रेनेड मार दिया तो चारों तरफ मैंने ग्लूअल मार दिया, तो बंदे को कंफ्यूज हो सकता है कि कहाँ पर मैं हूँ। और गाइस इधर से दो तीन गोली चलाऊंगा क्योंकि नहीं तो बंदा मेरे ऊपर रश कर देगा, ठीक है। तो मेरे को उसको रश नहीं कराना है, बस उधर दूर दूर में रखना है उस बंदे को, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने देखो एक दो गोली भी चलाया, उसको लगे कि मैं दूर से उसको फायर कर रहा हूँ, वो सामने आएगा तो मैं मार सकता हूँ, तो इसलिए वो ग्लूअल से नहीं निकल रहा है, वो वेट कर रहा है कब मैं सामने जाऊँ। और वो समझ रहा होगा वो तो जोन आ रहा है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन गाइस उसको क्या पता हम लोग इधर ही बैठ के हीलिंग बैटल करेंगे एंड भुया लेंगे। भाई लोग क्या ही ओपी तरीके से वो ग्रेनेड छोड़ रहा था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने ग्लूअल का सर्कल बना के मेडिकेट मारना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस मैंने पहले मेडिकेट मारा, उसके बाद फिर से ग्लूअल मारा और फिर से और एक ग्लूअल मारा, उसके बाद फिर से एक मेडिकेट मारा। गाइस आप लोग ध्यान से देखो, वो बंदा भी मेडिकेट मार रहा होगा शायद। मैंने और एक मेडिकेट मारा, गाइस आप लोग ध्यान से देख सकते हो अभी भी मेरे पास 8 मेडिकेट बाकी है। और गाइस मैंने और एक मेडिकेट मारा और गाइस वो बंदा एलिमिनेट हो गया और मैंने भुया मार लिया। क्या ही ओपी तरीके से भुया लिया गाइस, आप लोग सोच सकते हो भाई ऐसे कोई भुया लेता है क्या, आप लोगों ने देखा है क्या, लेकिन मैंने लिया गाइस। आप लोग ध्यान से ये चीज देखो, एक बंदे को भी मैंने गोली नहीं चलाया, बाइक से नहीं उतरा गाइस, फिर भी मैंने भुया ले लिया इतना हार्ड लॉबी पर, ठीक है। एक बंदे के साथ फाइट भी नहीं लिया। आप लोग सोच सकते हो ऐसे करके अगर आप लोग खेलते हो ना, आप लोगों का 100% प्लस होगा। एंड गाइस बहुत ही न्यू एकदम जस्ट न्यू ट्रिक है, यूज करो और गाइस जल्दी जल्दी आप लोगों का स्कोर बढ़ाओ और गाइस हीरोइक पहुंचो, ग्रैंड मास्टर पहुंचो प्लीज, ठीक है। ये बहुत ही न्यू है एंड गाइस अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। लाइक एक मान के रखा है याद रखना। जो भी है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।